रतलाम जिले के आलोट विधानसभा में 23 की जंग बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर हो रही है। कांग्रेस के जो बागी है वो प्रेमचंद गुड्डू हैं, वो इस टक्कर को त्रिकोणीय बना रहे हैं। इस लड़ाई में आलोट की बाजी किसके हाथ लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा आलोट में इस बार दिलचस्प लड़ाई होती दिख रही है। बीजेपी ने जहां पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर मनोज चावला पर भरोसा जताया है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू यहां से बागी होकर निर्दलीय मैदान में हैं। इतिहास के आईने में आलोट, 1952 से अब तक 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, 8 बार भाजपा, जनसंघ और जनता पार्टी को जीत मिली। 2013 चुनाव में थे सबसे ज्यादा 10 उम्मीदवार। 1972 में सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ मुकाबला। थावरचंद गहलोत सबसे ज्यादा 3 बार रहे विधायक। आलोट में करीब 2,22,000 मतदाता, 1,13,000 पुरुष तो 1,09,000 महिला मतदाता। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या महज 9। उज्जैन से सांसद रहे और बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय विकास के नाम पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो उज्जैन से ही सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू भी जीत की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चावला जीत के उत्साह से भरे हैं और बगावत को मुद्दा नहीं मानते। ऐसा कोई उनके कोई प्रामाणिक काम, कोई ऐसा काम जो उन्होंने किया हो, माइलस्टोन, ऐसा कुछ बता नहीं सकते। तो कांग्रेस बहुत कमजोर है, नेतृत्वहीन है, और कांग्रेस की बात नहीं, वो अपने तरीके से चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चिंतामणि मालवीय है, वो मैदान में एक विधायक के तौर पर डटा हुआ है और वही जीतने के बाद विधायक भी होगा। क्षेत्र की जनता ने मुझे लड़ाया है, आप कमलनाथ जी वर्सेस आलोट क्षेत्र की जनता है, अब जनता जीतती है या कमलनाथ जी जीतते हैं ये देखना है। कांग्रेस तो कहीं दौड़ में ही नहीं, जमानत जब की ओर है और जनता मन मानस बना चुका है। बागी है लेकिन उनकी कोई स्थिति है नहीं, जनता उन्हें 4 बार पहले फेल कर चुकी है। घटिया की जनता ने उन्हें फेल किया है, सांवेर की जनता ने उन्हें 3 बार फेल किया है, तो आलोट की जनता भी उनको खदेड़ने से बाजी है। कोई चुनौती है ही नहीं, जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हजारों हजारों वोटों से आलोट विधानसभा जीतेगी। रतलाम जिले में 4 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन आलोट में निर्दलीय दिग्गज के मैदान में उतरने से समीकरण दिलचस्प हो गया है। आलोट में किसका राज होगा ये तो पब्लिक तय करेगी, तो फिलहाल आप भी इंतजार का मजा लीजिए। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज़, रतलाम।